हाय फ्रेंड्स, तो आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कुड। जरा गौर कीजिएगा, कुड कुड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सका। गौर कीजिएगा, क्या नाम देते हैं? सका। अब सका क्या है, तो हम आपको एक बात बता दे, कैन जो होता है जिसका मतलब हम लोग जानते हैं सकना, कैन यूज किया जाता है प्रेजेंट में, जब हमें प्रेजेंट का पावर व्यक्त करना होता है, एबिलिटी व्यक्त करना होता है, शक्ति या क्षमता व्यक्त करना होता है, तो उस प्रेजेंट के पावर या शक्ति को व्यक्त करने के लिए, क्षमता को व्यक्त करने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही में हमको बीते हुए समय की अगर पावर व्यक्त करना हो, बीते हुए समय की क्षमता को व्यक्त करना हो, तो उस बीते हुए समय की पावर या क्षमता को व्यक्त करने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखें, प्रेजेंट टाइम की पावर और एबिलिटी व्यक्त करने के लिए कैन का यूज, और बीते हुए समय में अगर हमको पावर व्यक्त करना हो, क्षमता व्यक्त करना हो, शक्ति व्यक्त करना हो, हम यूज किसका करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। तो याद रखे, प्रेजेंट में पावर हो कैन, बीते हुए समय में पावर हो कुड का प्रयोग। और याद रखे, जब हमें कैन का पास्ट रूप यूज करना हो, तो कैन का पास्ट रूप हम लोग यूज किसका करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। आप यहां पर कह सकते हैं, यहां पर थोड़ा लिख सकते हैं, ऐसे कर दीजिए, क्लियर है? The past form of can is, यानी कि can का जो past form होता है वो आपका क्या होता है? Could होता है, जिसको हिंदी में हम लोग सका कहते हैं। तो अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट तो जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है कुंज इंग्लिश 01, आप सर्च कीजिए, वहां पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए, बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां पर देखिए, आपका अंग्रेजी बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मेरे इंस्टा पर जाइए, यही चैनल इसी नाम से आपको इंस्टा पर भी मिल जाएगा, आप मेरे फेसबुक पेज पर जाइए, इंग्लिश अकेडमी के नाम से आपको वहां पर पेज मिल जाएगा, तो आप सर्च कीजिए और आप वहां पर वीडियो देखिए, सारे जगह हमें हमारा वीडियो अवेलेबल है, आप देखिए और अपना अंग्रेजी मजबूत कीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुड का। तो हम आपको बता दिए हैं कि जो कुड होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कहिएगा हम सेंटेंस कैसे क्लियर करें, तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जैसे हमको यहां सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड, गौर कीजिएगा क्या दिया हुआ है, ही सेड कॉमा आई कैन विन द मैच, ऐसा दिया हुआ है। अब जब हमको यहां पर डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये हमारा है कौन सी, तो डायरेक्ट है। अब हम इसको कहां बनाएंगे, इनडायरेक्ट में, गौर कीजिएगा कहां बनाएंगे, इनडायरेक्ट में। जब इनडायरेक्ट में जाइएगा तो यहां पर हो जाएगा ही सेड, क्या हो जाएगा, He said that, I first person subject के अनुसार से हो जाएगा he। अब हमें ध्यान क्या देना है, ये क्या है, past, हमें यहाँ पर can है present में use होता है, तो अब हमको इसका क्या चाहिए, past। तो मैंने अभी आपको बताया कि past form of can क्या है, could है, तो यहाँ पर can के बदले हम लोग use किसका कर लेंगे, could का प्रयोग कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। तो क्या बोलेंगे, ही कुड विन द मैच, आसानी से यूज करेंगे। और भी सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, यहां पर जैसे मैं कह दूं, ही सेड, क्या कह रहे हैं, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आप ऐसा सेंटेंस रखे और यहां पर कह सकते हैं कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता हूं, आप कह सकते हैं I can't, आप क्या कह रहे हैं, I can't climb, मैं नहीं चढ़ सकता हूं, कहां, चलो पहाड़ पर चढ़ते हैं, अप है ना, कहां चढ़ रहे हैं, पहाड़ पर, चोटी पर चढ़ रहे हैं, तो climb up the hill,
क्या लिए लिए। अब यहां पर क्या करना है, ये तो ही लिखा जाएगा, सेट भी लिखा जाएगा, कॉमा हट के इनवर्टेड कॉमा के लिए दैट आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट के अनुसार से ही हो जाएगा। अब खेल यहां चालू होगा जो हम क्या आवश्यकता है। अब फिर यहां पर क्या दिया, कैन। चलो अपने पिछली दुनिया में मैंने क्या बताया, ये दिया हुआ है कौन सी पास्ट, ये क्या दिया है पास्ट, तो पास्ट दिया तो हमें इसका भी पास्ट चाहिए। तो अभी तो हमने आपको बताया कि पास्ट फॉर्म ऑफ कैन क्या है, कुड है, तो कांट है, तो यहाँ कुडंट हो जाएगा, क्या लगा लेंगे कुडंट, है ना, कुडंट लगा देंगे, वहां पर कांट था तो कांट का पास्ट हो जाएगा कुडंट, और बाद बाकी जो रहेगा सो लिखा जाएगा, कांट क्लाइंब, क्या कहेंगे क्लाइंब अप द हिल, अप द हिल, अप द हिल। तो इस ढंग से हम यहां पर देख सकते हैं कि कैन का अगर पास्ट यूज करना हो तो कैन के पास्ट फॉर्म में किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट कर दे कि कुड का यूज हम लोग कहां करेंगे, तो याद रखिए कुड का यूज हम लोग करते हैं पॉसिबिलिटी बताने में, कहां बता क्या बताने में, पॉसिबिलिटी बताने में। तो गौर कीजिएगा, हमने आपको पॉइंट क्या बताया, पॉसिबिलिटी, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्या बताना हो पॉसिबिलिटी, जब हमको पॉसिबिलिटी बताना हो तब हम वहां पर किसका यूज करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे, और कहां तो अनसर्टेनिटी, जिसको हम लोग कहते हैं अनिश्चितता, तो क्या बोलेंगे अनसर्टेनिटी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे अनिश्चितता, क्या बोलेंगे अनिश्चितता। तो हमको याद रखना है कहां कहां करेंगे, यहां पॉसिबिलिटी जब संभावना व्यक्त करना हो, दूसरा अनसर्टेनिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अनिश्चितता, जी सीधे होता है एनटीवाई, एनटीवाई, तो अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चितता, आप यहां पर याद रख लेंगे, क्या बोलेंगे अनिश्चित, अनिश्चितता, क्या हो जाएगा अनिश्चितता। अगर आपको अनिश्चितता व्यक्त करना हो तो उस अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं, यहां भी लग जाएगा फिर से कार्य इसमें भी हो जाएगा, अनिश्चितता होता है, तो अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग करता है। कैसे, जैसे हम आपको एक सेंटेंस दे सकते हैं, जैसे पॉसिबिलिटी कहिए आई कुड डू इट, क्या कह रहा है I could do it, जिसे I could, हाँ, I से I could do it, मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं, I could do it if, I tried, गौर कीजिएगा, मैंने क्या बोला कि मैं I could do it, मैं इसको कर सकता था, और क्या कह रहा हूं, मैं इसको कर सकता था, लेकिन कब, जब मैं यहां पर ट्राई किया होता, मैं ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि मैं तो ये कर सकता था, लेकिन अगर मैं प्रयास किया होता तो ये पॉसिबिलिटी बताना हो तो उस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम लोग यूज किसका किए हैं, कुड का प्रयोग किए हैं। और कहां कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी में क्या कहता है, जैसे हम आपको बोले इफ आई ओनली, क्या बोल रहे हैं, इफ आई ओनली, क्या बोल रहे हैं, इफ आई ओनली आई हैड, क्या कहेंगे, इफ आई ओनली आई हैड, क्या कह रहे हैं आई हैड, तो आई हैड सम कैपिटल, आई हैड सम कैपिटल, क्या हो जाएगा कैपिटल, कुछ मेरे पास पूंजी होती, तो पूंजी होता तो क्या करते, आई कुड स्टार्ट, आई कुड स्टार्ट, क्या कहते हैं आई कुड स्टार्ट कौन सी, द बिजनेस, द बिजनेस। तो मैंने आपको क्लियर बताया कि इफ आई ओनली आई हैड सम मनी, अगर मेरे पास कुछ पैसा होता आई कुड स्टार्ट द बिजनेस, मैं क्या करता, बिजनेस स्टार्ट करता। हम लोग यहां पर न्यू बिजनेस भी कह सकते हैं कि हम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते, तो ये जो हुआ क्या हुआ,
अनसर्टेनिटी हुआ, ये क्या हुआ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। भाई पूंजी होता तब करते, नहीं है नहीं कर रहे तो ये अगर मे भी हो सकता है, पूंजी होता तो तू बाइक खरीद लेता, पूंजी होता तो तू चार चक्का खरीद के तोड़ता रे बुर्बक, तू कौन सा बिजनेस करने वाला है, हम कैसे मान ले तुम्हारी बातों को। तो ये अनिश्चितता हो गई हमारी, हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि वो बिजनेस से स्टार्ट करता है, तो हम इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो वो अनसर्टेनिटी को जब व्यक्त करना होता है, हमने यूज किसका किया, कुड का यूज किया। तो याद रहे, अनसर्टेनिटी व्यक्त करना हो कुड का प्रयोग करेंगे, पॉसिबिलिटी व्यक्त करना हो कुड का प्रयोग करें। और मैं आपको बताया कि जो एबिलिटी बीते हुए समय में, जैसे मैं आपको बता दू, थर्ड पॉइंट में याद रखिए एबिलिटी, क्या कहिएगा एबिलिटी, बट ये एबिलिटी कैसा है, पास्ट टाइम का। ये एबिलिटी कब का है, पास्ट टाइम का है, यानी कि बीते हुए समय की अगर योग्यता की बात करता है, एबिलिटी की बात करता है, तो उस बीते हुए समय की एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। एकदम यार अपने स्टाइल में याद रखो ना, आसान से बात, जैसे तुम बूढ़ा जब बचपन था तो तुम मार खाता था यार, मार खा सकता था, अभी तो प्रतिष्ठा हो गया, प्रेस्टीज हो गया, अभी मार खाओगे यार इज्जत भाग जाएगा। तो ये अब हालांकि ये तो पावर तो है नहीं, ये तो भैया तुम्हारी आदत से लाचार है, हमने एग्जाम्पल दे रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसका, पावर का। जैसे एक कोई ओल्ड मैन कहता है, क्या कहता है, जैसे अभी तुम क्या कर रहा, पेड़ पर चढ़ रहा, फुटफुट चढ़ के भाग जाता है ऊंचा पर, अब बूढ़ा को चिढ़ा रहा है कि आ जा बूढ़ा हुआ बाज यहाँ पर, तो वहां पे आपका बूढ़ा क्या बोलेगा, आई कुड, वो क्या बोलेगा, आई कुड, गौर कीजिएगा, वो बोलेगा आई कुड क्लाइंब अप on the tree and climb up the tree in my young age, in my young age, करा कि हमू जब जवान थे ना, हम पेड़ पर चढ़ सकते थे, तो वो क्या हो रहा है, अपनी पावर व्यक्त कर रहा है, बट पावर आज का नहीं है, कब का व्यक्त कर रहा है, यंग एज या चाइल्डहुड, वो अपनी बचपना या जवानी की बात कर रहा है कि जब वो भी जवान था, वो भी बच्चा था, तो वो भी पेड़ पर चढ़ सकता था। तो ये पावर तो है, बट पावर कब का है, आज का नहीं है, ये पावर कब है, बीते हुए समय का है। और बीते हुए समय में जब हमको पावर या एबिलिटी व्यक्त करना होता है, वहां पर हम लोग यूज किसका करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। तो ऑलवेज याद रखे कि हम ऐसे पावर को जो बीते हुए समय की क्षमता हो, जैसे आप कह सकते हैं कि when I was young, I could climb the tree, यहाँ पर ये कह सकता है when I was young, I could climb up the tree, मैं जब यंग था तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, इसी सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता है। तो यहाँ भी क्या है, उसकी पावर है, क्षमता है, लेकिन वो क्षमता आज का नहीं है, क्षमता कब का है, बीते हुए समय का है, और वो पास्ट टाइम का पावर क्षमता होगा, यूज किसका करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, पोलाइट क्वेश्चन में, गौर कीजिएगा कहां करेंगे, पोलाइट क्वेश्चन। जब हमको पोलाइट क्वेश्चन करना हो किसी व्यक्ति से, तो उस पोलाइट क्वेश्चन को करने के लिए यूज किसका करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे किस, मैं रास्ते पे जा रहा हूं, अब जरा सोचो, एक इमेजिन करो कि मैं रास्ते में जा रहा हूं, किसी से जगह पूछूंगा, एड्रेस पूछूंगा, और उसको अगर हम डांट के बोले, ए फलाना सुन, पता फलाना जगह जाने का रास्ता क्या है, अगर ऐसा मैं पूछता हूं तो 100% हम आपको श्योर बता रहे हैं कि अगर वो रास्ता अगर ईस्ट होगा ना, तो हमें वो बताएगा वेस्ट में, 100% बताएगा, क्योंकि वहां पर हमने उससे रूडली बात किया है। तो रूडली करेंगे तो लाजमी सी बात है, वो हमें अच्छा सलाह नहीं देगा, इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति से क्या करते हैं, पोलाइटली पूछते हैं। तो उस पोलाइटली रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए, पोलाइटली क्वेश्चन को पूछने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर कहेंगे, क्या बोलेंगे, कुड यू, क्या बोलेंगे, कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी वेयर इज, क्या बोलेंगे, कुड यू टेल मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, क्या कहेंगे, पोस्ट ऑफिस। मान लो मैं बैंक में ही जा रहा हूं, तो मैं उससे पूछूंगा, भाई क्या आप बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है,
तो ये जो विनम्रता के साथ जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहेंगे कुड यू प्लीज, क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज, है ना। अब कब हम बोलेंगे कुड यू प्लीज, जब किसी व्यक्ति से हम कुछ मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब किसी व्यक्ति से कुछ हम मांग रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे गिव मी, कुड यू प्लीज गिव मी योर, क्या मांग ले, योर बुक की किताब ही दे दो, योर बुक। भाई एक दो दिन के लिए तो मांगेंगे नहीं, कम से कम हाँ दो दिन रहने दो, फॉर टू डेज भाई वो भी पढ़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि उबारू आदमी है कि पढ़ेगा नहीं, हम ही को दे देगा। तो हम उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि कुड यू प्लीज गिव मी योर बुक फॉर टू डेज, क्या आप अपनी किताब मुझे दो दिन के लिए देंगे। तो हम वहां पर क्या कर रहे हैं, पोलाइटली पूछ रहे हैं, विनम्रता के साथ कर रहे हैं कि भाई साहब आप अपना किताब मुझे दो दिन के लिए देंगे क्या। तो ऐसे रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। यहां पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कुड आई, क्या कह सकते हैं, कुड आई हैव, कुड आई हैव, है ना। जैसे हम उसको मांग रहे हैं कुड आई हैव लेंट योर मनी, कुड आई हैव, क्या बोल रहे हैं, कुड आई हैव लेंट यू द मनी, क्या कह रहे हैं, लेंट यू द मनी, क्या कह सकता है कि ना, कुड आई हैव नहीं, आई कुड लिखो ज्यादा बेटर होगा, आई कुड लिखो, आई कुड हैव, I could have, मैंने क्या बोला, I could have lent you the money, क्या बोल रहा है, I could have lent you the money, मैं आपको पैसा उधार दे सकता हूँ, या sorry मैं आपसे पैसा उधार ले सकता हूँ। तो ये जो politely request करना होगा, उस politely request के लिए याद रखिएगा हमें use किसका करना है, could का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं next topic। देखिए परमिशन जब हमको लेना होगा, गौर कीजिएगा, परमिशन हमको देना हो या परमिशन लेना हो, तो परमिशन देने और लेने दोनों के अर्थ में हम लोग यूज किसका करते हैं, कुड का। जैसे हम किसी को बोले कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना कलम देंगे, या हम कह सकते हैं कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर परमिशन देना होगा तो आप कह सकते हैं यस यू कुड, क्या बोल देंगे, यस यू कुड, हाँ भाई तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो परमिशन हमें किसी व्यक्ति को देना हो या उससे अनुमति मांगना हो, दोनों सेंस में हम लोग यूज किसका करेंगे, कुड का प्रयोग कर लेंगे। तो आई होप आपका बेटर डे गया होगा, ऐसा आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ कुंज सर के साथ, और मिलते हैं अगले एक फिर मजेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।